tonight at 8. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصائر وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ شاہد رضا زندہ باد. مولانا حافظ صاحب زندہ باد. الحمد لله الذي يجعل لك نائك بالأرضين الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المعين برحمتك يا رحمة الرحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى الجواد الكريم الملك البر الرحيم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما تحب وتقدم المسلمين عليه. أدب دهيش زير أسماء زرش نازكتر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید می جا مصطفیٰ برسن خیش را کی دین ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیش وہ میری جان کی جان کی جان کی میرا ایمان کی روح ایمان کی وہ میری جان کی جان کی جان کی میرا ایمان کی روح ایمان کی محبت وحی آیات قرآن کی اور قرآن کی روح قرآن کی محبت وحی آیات قرآن کی اور قرآن کی روح قرآن کی نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین جیسے انگشتری میں چمکتا نگین نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین جیسے انگشتری میں چمکتا نگین عالم نور میں نور رحمان بھی عالم انس میں بیک انسان بھی عالم نور میں نور رحمان بھی عالم انس میں بیک انسان بھی نہ نبی کو ملے اس عتے دم زدن نہ ملک کی زبان کو مجال سخن نہ نبی کو ملے اس عتے دم زدن نہ ملک کی زبان کو مجال سخن لی مع اللہ وقت سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی لی مع اللہ وقت سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ مجھ سے مت پوچھ معراج
राजों का एक सिलसिला, है मसीहत के राजों का एक सिलसिला। आप दिल को उनकी रसाई पे ईमान भी, अक्ल ऐसी रसाई पे हैरान भी, दिल को उनकी रसाई पे ईमान भी, अक्ल ऐसी रसाई पे हैरान भी। क्या बताऊं कयामत का मैं माजरा, क्या बताऊं कयामत का मैं माजरा। रहमतों गफलतों का एक मार का, रहमतों गफलतों का एक मार का। क्या बताऊं कयामत का मैं माजरा, रहमतों गफलतों का है एक मार का, रहमतों गफलतों का है एक मार का। दिल को उनकी शफाअत पे ईमान भी, अक्ल अपने किए पे पशेमान भी। दिल को उनकी शफाअत पे ईमान भी, अक्ल अपने किए पे पशेमान भी। नाज से एक दिन आपने ये कहा, ये बता दायरे सिदरतुल मुंतहा। नाज से एक दिन आपने ये कहा, ये बता ताहिरे सिदरतुल मुंतहा, है तेरे सामने आलमे कुल फका, तूने पाई किसी में मेरी शान भी। है तेरे सामने आलमे कुल फका, तूने पाई किसी में मेरी शान भी। बोले ये हजरते जिब्राइल अमी, ऐ निगाहे मशीयत के जुहरा जबी। बोले ये हजरते जिब्राइल अमी, ऐ निगाहे मशीयत के जोहरा जबी। ओ तेरा मिसल कोई कभी और कहीं, रब ने रखा नहीं इसका इम्कान भी। ओ तेरा मिसल कोई बोले ये हजरत जिब्राइल अमी, ऐ निगाहे मशीयत के जोहरा जबी। ओ तेरा मिसल कोई कभी और कहीं, ओ तेरा मिसल कोई कभी और कहीं, रब ने रखा नहीं इसका इम्कान भी। उनकी रहमत पे अख्तर दिलो जा फिदा, जिनको कहता है सारा जहां मुस्तफा। उनकी रहमत पे अख्तर दिलो जा फिदा, जिनको कहता है सारा जहां मुस्तफा। गो मेरी जिंदगी उनसे गाफिल रही, वो ना गाफिल रहे मुझसे गान भी, वो ना गाफिल रहे मुझसे गान भी। जब खामोश रहूंगा तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद शरीफ का नजरान यकीनत पेश कर रहा हूँ। एक बार और हदीस मुर्शिद पेश कर रहा हूँ। एक बार और दुरूद शरीफ का नजरान जाने कितनी सल्तनतें आई और चली गई। न जाने कितने दरबार आज भी हैं जो चले ही जाएंगे। तो दरबारों के वाकयात, उनके ताल्लुक से तारीखी मालूमात, हर एक के सामने है। और ये हकीकत से हर एक वाकिफ है कि जो भी सुल्तान आया, जो भी बादशाह या शहंशाह के नाम से जाना पहचाना गया, अपने दरबार के कवानीन उसी ने बनाए। मेरे यहां आओ, इस तरह आओ, बैठो तो ऐसे बैठो, बातें करो तो यूं करो, जो भी उसने आदाब चाहे बना लिए और लोगों को पाबंद किया। चाहे आप मोहब्बत में पाबंद हो,
या खौफ में पाबंद हों या लालच में पाबंद हों, बहरहाल बनाने वाला यहीं का सुल्तान रहा। और फिर हम ये देखते हैं कि जब वो चला गया तो अपने आदाब के सारे कवानीन भी ले गया, दूसरा आया उसने नए आदाब, नए कवानीन, नए जाब्ते मुरतब किए, हर कियामत इमारत नौसा जो आता है अपनी पसंद और अपने मिजाज के मुताबिक कवानीन और जाब्ते बनाता है। और ये सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा यहां तक कि कयामत आ जाए। मगर दोस्तों, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा भी निराला दरबार है कि दरबार किसी और का है, कानून कहीं और से आ रहा है। उसने खुद अपने आदाब के कानून खुद मुरतब नहीं करना है, कानून ने आदाब कहीं और से आ रहा है। दुनियावी दरबारों का ये नक्शा भी हमने देखा, गया तो उसका कानून गया, इसलिए कि जब कानून बनाने वाला ही न रहा तो फिर कानून के रहने का सवाल क्या है। मगर ये निराला दरबार अजीब दरबार है, बड़ा ही प्यारा दरबार है। मुख्तसर अर्ज कर दूं कि दरबार है मुस्तफा का और कानून है किबरिया। कानून देने वाला जो है वही कय्यूम। याद रखिए, इंसान का बनाया हुआ कानून सिर्फ इंसानों पे चलेगा, इंसान का बनाया हुआ कानून किसी दूसरी मखलूक पर नहीं चल सकता, उसकी इताअत सिर्फ इंसान ही कर सकते। मगर खालिक़े कायनात का बनाया हुआ कानून या अता करदा कानून, वो ऐसा कानून होगा कि सारी मखलूक उसकी पाबंद होगी। फना होने वाले के कानून को भी फना, मगर हय्यू कय्यूम अगर कोई कानून अता फरमाएगा तो उस कानून को कभी फना नहीं। तो दरबार है आए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कानून है रब्बुल आलमीन कादर मुतलक। बस मुख्तसर से वक्त में कानून की चंद मिसालें, आदाब की चंद मिसालें मैं आपके सामने बयान करके आपसे रुख्सत हासिल कर लूंगा। कोशिश ये करूंगा कि जो कुछ बात अर्थ किया जाए इस महफिल में वो कुरान करीम की रोशनी ही में हो। इसमें शायद ये भी मसलहत है कि सरकार के फरीजे नबूवत में ये बात भी रखी जा सकती थी कि अपने दरबार का कानून खुद मुरतब फरमाए। तो ये कोई ऐसी खास बात ऐसी नहीं थी जिसको आप लोग कबूल न करते, मगर सरकार को इस बात से अलग रखा गया, महबूब को इस बात से बिल्कुल अलग रखा गया। इसलिए कि अगर सरकार कुछ भी फरमाते तो सरकार के इरशादात हदीस की शक्ल में हमारे सामने आते, हदीस की किताबों में उनकी हिफाजत होती, बुखारी में, मुस्लिम में, तिर्मिजी में, इस तरह की जितनी किताबें हैं उसमें हिफाजत होती। और फिर बाद में जो अदब करना न चाहता वो हदीसों से उलझता, रावियों से टकराता, कभी मतलब देख रहा है, कभी सनद देख रहा है, कभी इसको कमजोर कह रहा है, कभी उसको कमजोर कह रहा है, ये ज़ईफ़ है, ये मौजू है, ये ऐसी है, वैसी है। तो कुदरत को ये मंजूर हुआ कि महबूब कानून मैं दूंगा ताकि वो कुरान की सूरत में लोगों के सामने हो और कोई ये न कह सके कि ये आयत ज़ईफ़ है, ये आयत कमजोर है, इसका रावी ऐसा है, उसका रावी ऐसा है। तो कितना इहतमाम बरता गया, कितनी नासुक बात थी, रब तबारक व ताला ने उसको अपने जिम्मे करम के अंदर ले लिया। उसी कानून
को एक एक करके मैं आपके सामने पेश करूंगा और कानून बताने में देख जायूसूली ए ईमान वालो, इतनी ईमान वाले क्यों? अदब तो सारी कायनात से कराना है, अदब का कानून तो सारी मखलूक को देना है, खिताब ईमान वालों ही से क्यों? या यूहन नास का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर नहीं, बात अदब की है। कानून तो सभी के लिए है, मगर अदब करने वाला सिर्फ ईमान वाला ही हो। और याद रखिए, यहां से भी इशारा हुआ कि अदब भी उसी वक्त मुफीद होगा जब आप ईमान वाले हो। अगर ईमान से हट करके कुछ अदब के तरीकों को आपने अपना लिया है तो ये आपके लिए मुफीद नहीं हो सकता। अदब भी वही मुफीद है जिससे पहले ईमान हो, और ईमान वाला ही अदब करता, और अदब ना करना ही इस बात की दलील है कि वो ईमान वाला नहीं। तो ए ईमान वालों, ला तुकद्दिमु बैन यदै अल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल पर सबकत ना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह रसूल पर सबकत ना करो, ये क्या मतलब? किसने खुदा पे सबकत किया था? कौन खुदा से आगे बढ़ने की कोशिश किसने की थी? रसूल के ताल्लुक से जरूर अहादीस की सफात में यह बात मिलती है, जिसको शान नुजूर करार दिया गया कि कुछ लोग ऐसे थे रमजान शरीफ आने से पहले ही रोजा शुरू कर देते, कुछ लोगों ने क्या किया, हुजूर ने भी कुर्बानी नहीं की और उन्होंने पहले ही कुर्बानी कर दी। रमजान अभी शुरू नहीं हुआ, सरकार ने रोजा शुरू नहीं फरमाया, उन्होंने रोजा शुरू कर दिया। सरकार ने भी कुर्बानी नहीं फरमाई, उन्होंने कुर्बानी शुरू कर दी। क्या बुरा काम किया? क्या बुरा काम किया? रोजा तो एक अहम इबादत है, पहले से शुरू कर दिया तो क्या कौन सी गलती की? मगर रब तबारक व तआला इस अंदाज को पसंद नहीं फरमा रहा कि मेरे नबी ने भी इबादत शुरू नहीं की और तुमने शुरू कर दी। तुम रसूल पर सबकत ले जा रहे हो, रसूल से पहले, और सुनो, ये रसूल पर जो सबकत है यही खुदा पे सबकत। वहां पर ये बात नहीं थी कि खुदा ने तो अभी रोजा शुरू नहीं किया तुमने कैसे कर लिया, खुदा ने तो अभी कुर्बानी नहीं की तुमने, वहां ये मसला नहीं था, बल्कि रसूल पर सबकत, खुदा पे सबकत। यहां से इशारा मिल गया, जो रसूल का बेअदब है वो खुदा का बेअदब है। यहीं से शब्द, यानी इबादत में भी तुम नबी पर सबकत मत करो, नबी पे सबकत इबादत में भी ना करो। तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी अगर तुम रोजे के फजाइल लेके खड़े हो जाओगे, कुर्बानी और ईसार के फजाइल तुम हदीसें सुनाओगे, हम नहीं सुनेंगे। नबी ने अभी किया नहीं, तूने क्या कैसे दिया? तेरा काम नबी के पीछे रहने का था, नबी से आगे बढ़ने का नहीं था। आप बताएं, जिस चीज में आदमी बजाहिर सबकत कर सकता हो उसमें तो सबकत से रोका गया, और जिसमें सबकत मुमकिन ही ना हो, अगर उसमें कोई सबकत की बात करे तो शकावत कल्बी कितनी बड़ी हुई है, इसका आप अंदाजा लगाए? जरा सा आप फर्क, कुछ लोगों ने अजीब बात कही कि नबी उम्मती से मुमताज होता है सिर्फ इल्म में, रह गया अमल तो कभी कभी बजाहिर उम्मती अमल में नबी से पढ़ सकता। तो
आपने देखा अमल ने उम्मती को नबी से बढ़ा दिया। आप ख्याल करते चले जाए, एक ने तो ये किया और दूसरों ने क्या किया कि इल्म में नबी को घटा दिया, दूसरे ने ये कर दिया, शैतान इल्म से भी कम। तो अमल में अपने को बढ़ाया और इल्म में अपने उस्ताद को बढ़ा दिया। हालांकि इल्म अमल में बढ़ना तो तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं, मगर जानते हैं उन्होंने हिसाब किया होगा, हिसाब ये किया होगा कि नबी करीम की उम्र शरीफ 63 साल की और मैं हूं 70 साल का खुरनाट या मैं हूं 80 साल का बुड्ढा और इतने दिनों तक मैंने की इबादत, तो नबी की 63 साल की उन्होंने उतनी इबादत की और मैं 63 साल बल्कि मैं 70 और 80 साल का हूं तो मैंने इतनी इबादत की तो मुझे इबादत का ज्यादा मौका मिला तो तादाद में मेरी इबादत बढ़ गई 1 2 3 4। नबी ने 63 साल के रमजान के रोजे रखे, मैं 100 साल का बुड्ढा हर रमजान का रोजा मैं रखता हूं तो तादाद में रोजे की तादाद बढ़ गई। नबी ने 1 हज किया और मैं इतने हज कर चुका हूं तो हज की तादाद बढ़ गई। अब इस तरह से इन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया नबी की उम्र शरीफ को सामने रखकर, हालांकि ये नहीं सोचा कि तुम क्या, तुम्हारी हकीकत क्या। सारे कायनात के अहले ईमान, सारे मोमिनीन और उन मोमिनीन में शहदा भी, सिद्दीकीन भी, सालेहीन भी, सारी कायनात की इबादत को जिसमें सहाबा भी हैं, जिसमें ताबईन भी हैं, जिसमें मुज्तहिदीन भी हैं, तमाम कायनात की इबादत को सिर्फ एक पल्ले पर रखो और रसूल आलमी के एक सजदे को दूसरे पल्ले पर रखो तो जो मुकाम रसूल के उस एक सजदे को है क्या सारी कायनात की इबादत मिलकर उसके बराबर हो सकती है? सारी कायनात की इबादत क्या उस सजदे के बराबर हो नहीं सकती? और जब बराबर नहीं हो सकती तो बढ़ी कैसे? पहले चीज बराबर होती है फिर बढ़ती है, पहले चीज किसी के बराबर होती है फिर बढ़ती है। तो जब सारी कायनात की इबादत सरकार के एक सजदे के बराबर नहीं है तो तेरी इबादत का क्या शुमार है और तू कहां का इबादत करने वाला? बात समझ आई? तो ये भी न समझ सके कि इबादत सही मानों में इबादत उस वक्त बनती है जब खुदा कबूल फरमाए। मुफीद बराबर नतीजा खेज इबादत उसी वक्त होगी जब खुदा कबूल फरमा ले। तुम सारी कायनात को खुदा की राह में खर्च कर दो मगर तुम्हें वो अजर न मिलेगा जो सहाबे किराम अगर एक छोटी सी चीज को खुदा की राह में खर्च करते हैं। इस चीज को जब आपने अच्छी तरह से समझ लिया, कबूलियत ही ऐसी चीज होती है जिस चीज को खुदा कबूल फरमा ले। और अगर आपके साहब नहीं वो गिनती वाली बात कबूलियत को हटा दिया, मर्तबे को हटा दिया, भाई दर्जा मत देखो कि किसकी इबादत का क्या दर्जा, बस गिन लो कि सजदे कितने हुए। इसी पर अगर आपने इसरार किया तो हमने कहा ठीक है, जब अगर उम्र ही की बात है तो चलो फिर चलो शुमार करो तुम अपनी उम्र ही से चलो, मगर हम नबी करीम की भी पूरी उम्र की बात करेंगे। तुम उम्र की बात करो, अब आप बताओ कि नूरे मुस्तफा की उम्र क्या है, नूरे मोहम्मदी की उम्र तुमने 63 साल समझा। अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले मखलूक मेरी नूर, मेरा नूर, तो नूर मुस्तफा तो सबसे पहले मखलूक, न जमीन न आसमान न अर्श न फर्श न मशरिक न मगरिब न शुमाल न जनूब,
अब शुमार करो कि नबी की असल उम्र शरीफ क्या है, असल उम्र शरीफ क्या है। और जब वो नूर मुस्तफा था बारगाह कुदसी में तो खुदा की हमद कर रहा था, तस्वीर और तहलील में लगा हुआ था, जिक्र इलाही में लगा हुआ था। तो अगर एक दो वाली गिनती से भी गिनो तो भी तुम्हारी तुम्हारा अमल नबी के अमल से बढ़ नहीं सकता, तुम्हारा जिक्र नबी के जिक्र से बढ़ नहीं सकता, तुम्हारी तारीफ और तौसीफ नबी के तारीफ और तौसीफ से भी नहीं बढ़ सकती, तुम्हारी तहलील और तहमीद नबी की तहलील और तहमीद से नहीं बढ़ सकती। ऐसे भी शुमार करो। हजरत जिब्रील से भी पूछा था सरकार ने, जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या का हुजूर, बस ऐसे अंदाजा लगा ले। फला हिजाब अजमत में मैं एक नूर को चमकता हुआ देखता था जिसको 70,000 बरस के बाद एक बार देखता था, जिसको 72,000 मरतों मैंने देखा। तो सरकार फरमाते जिब्रील मेरा ही तो नूर था, आप ख्याल करें। तो अब उम्र का अगर देखना है तो इस तरह से देखो, जिन चीज पर तुम बढ़ ही नहीं सकते उनकी बात तो जाने दो, जिसमें तुम बजाहिर बढ़ सकते हो सबकत कर सकते हो वो भी उसकी भी तुम्हें इजाजत नहीं है। सरकार ने भी इबादत नहीं शुरू की तो अब ऐसे हाल में इबादत करना भी बेअदबी। कुर्बानी सरकार ने नहीं शुरू की, सरकार से पहले कुर्बानी करना भी बेअदबी है। इसी से उलमा ने एक मसला निकाला कि नबी के जमीन पे चलने में भी नबी से आगे ना चलो, नबी से आगे ना चलो। मगर कहीं आप सोचने लगे कि एक मरतबा तो हमने एक आगे चलने वाले को देखा था, एक आगे चलने वाले को देखा था, वो सैयदना सिद्दीक अकबर थे। शबे मेराज शबे हिजरत जब चल रहे हैं तो किस ढंग से चल रहे हैं, और उसके बाद फिर वहां से जब मदीने की तरफ रवानगी है तो कभी आगे दिखते हैं, कभी पीछे दिखते हैं, कभी दाएं हैं, कभी बाएं हैं। अब उनसे जाकर कहो या सिद्दीक अकबर ला तुकद्दिमु बैन यदै अल्लाह व रसूलिह, अल्लाह और रसूल पर सबकत मत करो, अल्लाह और रसूल पर। तुमका अजीब प्यारा प्यारा जवाब होगा, नादान तू नहीं जानता कि क्या चीज है, मैं जो बढ़ रहा हूँ वो बढ़ने के लिए नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सबकत करने के लिए नहीं बढ़ रहा हूँ, बल्कि मुझे ख्याल होता है कहीं आगे से कोई सरकार को अजियत न पहुंचाए तो मैं आगे आ जाता हूँ, ख्याल आता कहीं दाएं ना कोई पैसा आ जाता हूँ, ख्याल आता पीछे तो मैं आगे पीछे दाएं बाएं अपनी गुलामी का हक अदा करने के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। तो रक्स करना और है, चक्कर लगाना और है, कुर्बान होना और है, और सबकत करने वाली बात और है। अल्लाह रसूल से रास्ता चलने में भी मत बढ़ो। अब जो लफ्जों में पढ़ना चाहते हैं, इबारतों में पढ़ना चाहते हैं, इबादतों में पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी इबादत इबादत ही नहीं है। पहले इबादत तो बना लो, पहले इबादत हो फिर पढ़ो, उसकी भी इजाजत थी। जिनकी इबादत इबादत थी उनसे कहा गया, और ये खुदा रसूल की बेअदबी, ये हकीकत में ये खुदा के बारगाह के अदब नाशनासी होगी। खुदा के बारगाह का अदब शनास बनना है तो मुस्तफा की बारगाह के अदब शनास बनो। ये देखिए नहायत ही बुनियादी नुक्ता अदब का हमें दिया गया, और उसके बाद फिर और जगह जगह जहां जरा भी बेअदबी की सूरत नजर आई, बेअदबी की हकीकत नहीं बेअदबी की सूरत, इसलिए कि सहाबा से बेअदबी की हकीकत तो मिल ही नहीं सकती। सूरत कि सहाबा को रोका गया वरना बाद में बेअदबों को मौका मिल जाएगा, अगर उनको ना रोका गया तो बाद में बेअदबों को मौका मिल जाएगा, हालांकि सहाबा की वो नियत नहीं होती, जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। फारूक आजम यहूद के उलमा से जो तौरेत की बातें कभी सुनने चले गए और वहां से एक पर्चा लेकर आए और लाके सरकार के सामने पढ़ना शुरू किया, उसमें क्या बात थी, कोई गलत बात नहीं थी, सरकार की तारीफ थी, सरकार की तारीफ ही थी। मगर सरकार गजबनाक हो गए, उन्हें माजरत करनी पड़ी। सिद्दीक अकबर ने तवज्जो मबजूल कराई, उमर देखते नहीं सरकार का चेहरा,
देखा आपने क्या रसूल को ये डर था कि उमर बहक जाएंगे? क्या रसूल को ये डर था कि उमर यहूदियों के चक्कर में आएंगे? रसूल को तो अपने उमर पर इतना भरोसा था और अब अपने उमर की वो शान के ऐसा आरिफ थे, वो पहले खुद ही फरमाया था लुका नबाकी नबी लता न उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। सरकार खुद जानते हैं कि शैतान उमर को क्या धोखा देगा, बल्कि सरकार का उमर वो शान रखता कि जिस रास्ते पर हजरत फारूक आजम चलते थे शैतान देखता था तो मुड़ जाता था। जब शैतान करीब ही आने को तैयार नहीं तो धोखा क्या देगा? मगर उनको भी रोक दिया गया, उनको भी रोक दिया गया दूसरे की किताब पढ़ने से। तो इसलिए नहीं कि उन्हें बचाना था, इसलिए कि पूरी उम्मत को बचाना था। अगर आज उमर को इजाजत दे दी गई, आज अगर उमर को इजाजत दे दी गई तो कल का इंसान ये कह सकता है कि गैरों की किताब पढ़ना सुन्नत फारूक आजम है, सुन्नत उमर है, तो लोग सुन्नत सहाबा का नाम लेकर के गैरों की किताब पढ़ेंगे, उनके जलसों में जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो कह दिया गया कि जब इनको रोका गया तो अब इनसे बड़ा कौन है जिसे रोका ना जाए। जब उनको रोका गया तो और कौन है जिसे मना ना किया जाए। तो सहाबे किराम को जो आदाब दिए गए हैं वो हमको दर्श देने के लिए, हमको सबक। उनकी नीयत तो बड़ी पाकीजा थी, बड़ी पाकीजा नीयत थी। पाकीजा नीयत से भी कोई काम अगर उन्होंने किया और वो ऐसा काम जो बज़ाहिर अदब के खिलाफ नजर आया तो आयत कुरानी आ गई। आप ख्याल करें हजरत कैस का वो वाकया, चूंकि आवाज आपकी कुछ बुलंद थी, जब बोलते थे तो आवाज बुलंद हो जाती थी और कान से ऊंचा सुनते थे। उमूमन देखा गया है जो कान से ऊंचा सुनता है उसकी आवाज तेज होती है, वो समझता जब मैं नहीं सुनता तो दूसरा भी नहीं सुनता होगा, तो वो तेज बोलता है कि खुद भी सुन सके दूसरा भी सुन सके। तो ऐसा आवाज जब ये आयत करीमा उतरी, या अय्युहल लज़ीन आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करो। आप ख्याल करें आवाज में फितरी चीज है और किसी की आवाज उज़्र से भी बुलंद हो सकती है। नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करो, ये आयत का उतरना था कि कैस बेचैन मुस्तरिक हो गए, घर में बैठ गए कि मेरे लिए तो कुरान की आयत आ गई, मैं तो जहन्नमी हो गया, न कोई बहस न कोई मुबाहसा। तो ए ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो, वला तजर लहू बिल कौल कजहर बादिकुम लिबा, और नबी को ऐसा मत पुकारो जैसा आप उसमें एक दूसरे को पुकारते। अंत बता मालो वान तुम ला तशरू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल हम तो कर लिए जाए, छीन लिए जाए, मिटा दिए जाए और तुम्हें पता भी ना चले। सिर्फ आवाज को आवाज बुलंद करने में इतनी बड़ी सजा, हफ्ते आमाल याद रखो, हफ्ते आमाल सिर्फ कुफ्र से होता, हफ्ते आमाल सिर्फ कुफ्र से होता है। तो अब बेअदबी की सर, बेअदबी अगर कुफ्र नहीं है तो हफ्ते आमाल का सवाल क्या है? नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करना इतनी बड़ी बेअदबी हो गई कि आमाल के छीन लेने की बात हो जाए? जरा साफ ख्याल करें। और उसके बाद सबसे बड़ी सजा क्या कि तुम्हें पता भी न चले। ये बड़ी बड़ी गजब की सजा है, पता ना चलने वाली, पता ना चलने वाली सजा बड़े गजब की सजा। आमाल छीन लिए भी जाए पता भी ना चले। इसको ऐसे में समझाऊं आपको कि किसी साहब ने काफी तिजोरियां रख छोड़ी अपने घर में और सारी भरी हुई, भरी हुई तो उनको तो इत्मीनान है ना कि मैं तो रईस आजम हूं वक्त का। अब ये फर्ज कर लो कि सारी तिजोरियां खाली हो जाए,
मगर इनको पता न चल, वहां सब खाली मामला और इनको पता न चल तो क्या हाल होगा इनका। वो तो अपने को रईस ही समझेंगे ना, ये तो समझेंगे हमारे पास सब भरा हुआ और जब जरूरत का वक्त आएगा तो हर तिजोरी खाली। और अगर पहले पता चल जाता कि चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, तो फिर भरते वो दोबारा भरने का ख्याल इसलिए नहीं आएगा कि उसे इल्म ही नहीं, वो तो समझा भरा हुई, वो तो यही समझेगा कि भरी हुई है, हम तो रही से आजम है। तो देख करके हफ्त करके एहसास को भी छीन लेना, शऊर को भी ले लेना, ये नहायत खतरनाक चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रब तबारक को ताला तुमसे अमल कराएगा। अगर तू बेअदब है तो ये न समझना कि खुदा अमल नहीं कराएगा, रब तबारक को ताला तुमसे अमल कराएगा, खूब कराएगा। तुम करते जाओगे वो खप मिटाता जाएगा, तुम करते जाओगे वो मिटाता जाएगा, और तुम समझोगे खजाना भरा हुआ, इसलिए कि मिटाने का इल्म, मिटने का इल्म तुझे नहीं हो रहा, मिटने का इल्म तुझे नहीं हो रहा। अब जब मैदान कयामत में तुम पहुंचोगे समझोगे हमारे पास नमाजें बहुत, रोजे बहुत, हज बहुत, पता चला वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं है। और अगर खुदा मिटाता और मिटाते के साथ मिटने का इल्म भी दे देता तो फिर भरने की कोशिश हो जाती, फिर तुम ये सोचते कि ये मिट क्यों रहा है, इसके असबाब क्या है, इसके इलल क्या है, इसके वजूहात क्या है। लाउन वजूहात को खत्म कर दिया जाए, लाउन असबाब को हटा दिया जाए ताकि ये हमारी दौलत जाय न जाए। मगर खुदा ऐसी सजा दे रहा है कि तुमसे काम भी करा रहा है, नमाज सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा है, इस काम के लिए तुम्हें दौड़ा भी रहा है, इधर से उधर, न जाने कितने चक्कर कटवा रहा है, सब कुछ करा रहा है, रोजी भी रखवा रहा है, सब कुछ करा रहा, हज भी करा रहा, पैसे भी लुटवा रहा, सब कुछ करा। और तुम समझते हो कि हम वक्त के मुजाहिद हैं, हम वक्त के गाजी हैं, हम वक्त के मुबल्लिगे आजम हैं, हम मुस्लिम हैं, हम आबिद हैं, हम आरिफ हैं। यानी खुदा सब कुछ मिटा के तुम्हें शऊर नहीं दे रहा, सब कुछ मिटा भी रहा है तुम्हें शऊर नहीं दे रहा। जब मैदान कयामत में तुम पहुंचोगे तो सबसे ज्यादा कंगाल तुम ही नजर आओगे कि खुदा ने मिटा दिया, शऊर तक नहीं दिया मुझे। ये बहुत बड़ी सजा, दौलत भी खत्म हो जाए, पता भी ना चले, हम अपने को रईस ही समझे रहे, और पता चले कि हम तो पहले ही से कंगाल हो चुके हैं, ले गया ले जाने वाला एहसास तक नहीं। तो ये तो हाल रहा जनाब बेअदबी करने वालों का। और वाकई फिर देखो वो कैसे अदब करने वाले थे कि हजरत कैस दरबार की हाजिरी कितनी बड़ी सआदत थी और कैसी चाहत थी सहाबा को, मगर छोड़ दिया कि आवाज बुलंद होती। सिद्दीक अकबर फारूक आजम का हाल ये हुआ कि इतना आहिस्ता बोलने लगे कि कभी कभी सरकार को दोबारा पूछना पड़ता था क्या कहें। कुछ सहाबे किराम तो मुंह में कंकड़ी लेके बोलने लगे कि आवाज गैर शऊरी तौर पर भी आगे ना बढ़ सके। सरकार ने हजरत कैस को जब मुलाहजा नहीं फरमाया था, कैस कहां, लोगों ने सरकार की बात उनके कानों तक पहुंचाई, कहा मैं तो जहन्नमी हो गया, मैं तो जहन्नमी हो, मेरी आवाज बुलंद हो जाती, हालांकि उसमें इरादा नहीं, गुस्ताखी की बात नहीं, गुस्ताखी का तस्वुर भी नहीं है, मगर देखो रूहे सादत कितनी, गुस्ताखी का इरादा भी नहीं। यही तो देखते हैं, सादत की बात और होती है, रूहे सादत और है। जब सादत छिन जाती है तो इंसान सरीह तौर पर गुस्ताखी करता, जानबूझ के करता है, गुस्ताखी करता और उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और जिसके अंदर सआदत होती है उससे अगर छोटी सी भूल हो गई तो ऐसा लगता है कि पहाड़ गिर गया, वो मुसीबतों का पहाड़ उसे समझते हैं। किसी ने जाके हुज्जत नहीं की नबी से कि हुजूर ये तो एक फितरी चीज है, अगर बुलंद हो जाए तो इसमें हमारा अख्तियार भी नहीं, ये खुदा ने हमें ऐसे ही आवाज दे रखी, कोई उज्र नहीं, कोई उज्र नहीं। तो सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंची का नहीं, कैस जन्नती है, कैस जन्नती है, जरा साहब ख्याल करें। और उसके बाद जब ये आवाज स्पष्ट करने लगे सिद्दीक अकबर फारूक आजम
दीगर साहबे किराम अदब के साथ अहिस्सा जब बोलने लगे तो इनकी शान में भी आयत करीमा उतर आई, इन गजीन यबुद्दून अस्वात हमिंद रसूल اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى جو لوگ رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز پست کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا اب پتا چل گیا کہ تقوی علم سے نہیں ملتا تقوی ظاہری عمل سے نہیں ملتا اگر علم سے کسی کو تقوی ملتا تو سب سے بڑا متقی ابلیس ہوتا اگر عمل سے ملتا تو وہ بھی متقی ہوتا تقوی جو ہے وہ علم سے نہیں ملتا عمل سے نہیں ملتا ریاضت و مجاہدے سے نہیں ملتا تقوی ملتا ہے خدا کے فضل سے خدا کی مہربانی سے جس کو چاہے وہ تقوی دے دے اور تقوی وہ کسے دے گا کس کو دے گا وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز پست کرتے یعنی ادب کرنے والوں کو تقوی ملتا بے ادبوں کو تقوی تو کبھی مل ہی نہیں سکتا ادب کرنے والوں کے دلوں کو رب نے تقوی کے لیے چن لیا اور ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے میں آپ کو بتاؤں بعض باتیں ایسی ہیں جو سرسری طور پر دیکھو تو خاص اہمیت نہیں مگر قرآن نے ہر جگہ نبی کی بارگاہ کے آداب کو بہرحال محفوظ کیا ملحوظ رکھ کر کے احکامات ہمیں عطا فرمائے کچھ آگے لوگ بھی اور آنے کے بعد دروازے پہ حضور کو بلانے لگے آواز دے کر کے سرکار یہ سرکار کو آواز دینے والے تو دے گئے مگر رب کو یہ بات پسند نہیں آئی بس نہیں آئے تھے پرانی ان لذیذ محبوب یہ جو آپ کے حجروں کے باہر سے لوگ آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثر نہ سمجھ ہے مطلب انہم صبر حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم اگر وہ صبر کرتے کہ آپ خود ہی ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا یہ آواز نہ لگا یہ دوسروں کو آواز لگا لے جیسے دوسرے گھروں میں لوگ آواز لگاتے ہیں یہاں کرے یہ نبی کی بارگاہ ہے یہاں آواز لگا کے بلانا بھی بے ادبی ہے اس مقام پر ایک بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم آواز نہیں لگائیں تو ہمارے آنے کی رسول کو خبر کیا ہو اسی لیے اسلامی آداب یہ ہیں کہ کسی کے گھر پر جاؤ تو پہلے آواز لگاؤ سلام کرو اگر پہلی آواز پر نہیں کوئی بولا تو پھر آواز لگا دو تیسری پر کھاؤ تو پھر آواز لگا دو طریقہ ہم جا کے کسی کے دروازے میں کھڑے رہے تو صبح سے شام تک کھڑے رہے گھر والا بیچارہ اپنے کام میں لگا اسے کیا پتا کہ باہر کون آ رہا تو آواز لگانا تو بہت ضروری ہے نا اور آواز لگانا کوئی عیب کی بات نہیں ہاں یہ تعلیم ضرور دی جا سکتی تھی کیا لوگوں نبی کو پکارتے ہو تو یا محمد کہہ کے نہ پکارو یا ابو القاسم کہہ کے نہ پکارو آواز لگاتے تو یا رسول اللہ کہہ کے بلاؤ یا نبی اللہ کہہ کے بلاؤ یا حبیب اللہ کہہ کے بلاؤ یہ سبق دینا چاہیے تھا نا مگر سبق تو یہ دیا جا رہا کہ نہیں کچھ بھی مت کہو یا حبیب اللہ بھی نہیں یا نبی اللہ بھی نہیں یا رسول اللہ بھی نہیں یا سید المرسلین بھی نہیں یا خاتم النبیین بھی نہیں نبی کو ندا مت دو نہ نام سے نہ صفات سے نام سے پکارنا تو بے ادبی تھا نا مگر محبت سے یا حبیب اللہ کہنے میں کون سی بے ادبی یا رسول اللہ کہنے میں کون سی بے ادبی یا سید المرسلین کہنے میں کون سی بے ادبی اور اگر ہم ایسا نہ کہیں گے تو سرکار کو پتا کیا لگے گا کون آیا ہے
सरकार को कैसे खबर होगी, यही आप सोच सकते हैं। वाकई दोस्तों, जहन की तथहीर की जा रही है। क्या आवाज लगाने वाले सोच, तू किसकी बारगाह में आवाज लगा रहा? तेरे जहन में यह कैसे ख्याल आया कि तू उनकी चौखट पड़ जाए, उन्हें इल्म ना हो? तेरे जहन में यह ख्याल कैसे आया? अरे नादार, जो आरशो कुर्सी की बातें बता रहा हो, वो अपने दरवाजे की बात न जानेगा? वो अपने दरवाजे की बात न जानेगा कि कौन आया है? अरे अगर नादार होता तो आवाज देता तो ठीक था, मगर खबर वाले को मत पुकारो, इल्म वाले को मत पुकारो, वो तो ये वाले तो जो खबर वाले हैं और इल्म वाले हैं उनको पुकारना यकीनन बेअदबी। ऐसी जगह आवाज मत देना। सर देखिए कैसे कैसे आदाब और सास और सभी पाबंद है सरकार के आदाब के, बारगाह के आदाब के सब पाबंद है। इंतहा की बात यह है कि जिस पर सरकार ने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ कोई जरा सी सरकार को जरा सी गहरी महसूस हुई तो वो तो नहीं बोले। और वो कैसे बोलते, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। मगर रब तबारक व ताला ने अपना हर जगह कानून दे दिया। ऐसा कानून, वो किस्सा याद करो कि जब हुजूर ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया और वलीमे के लिए दावतें दी, सरकार का जो दौलत कदा था वो अपनी रिफत और अपनी रूहानी उसात और खैर बरकत के लिहाज से नहायत ही तवील, नहायत अरीस, नहायत ही बुलंद, मगर इंच फिट के लिहाज से वहां गुंजाइश कम थी। तो सरकार ने यह तरीका अख्तियार किया कि जितने लोगों की गुंजाइश वो आए, खाना खा चले जाए। इसी दरमियान में तीन साहब ऐसे भी थे खा के बैठ गए और वहीं बातें करने लगे। सरकार ने कुछ तंगी महसूस फरमाई मगर अज़राहे करम कुछ कहा नहीं, तो सरकार तो खामोश थे। सरकार ने तो हया फरमाई मगर आयतें कुरान में आ गई, या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ना लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इय्याह। ए ईमान वालो, बगैर इज्न के नबी के घर में दाखिल मत हो जा, और बुलाए अगर किसी दावत में तो पहले ही से इंतजार ना करो, जाके बैठ के, बल्कि जब बुलाए फदखुलु वइज़ा तुअमतुम फंतशिरू। अरे जब बुलाया जाए, इज़ा दुईतुम फदखुलु, जब बुलाया जाए दाखिल हो जाओ, और जब खा चुका तो मुंतशिर हो जाओ। वला मुस्तानसीन लहदीस, बातों में दिल न बहलाने लगो। क्यों? तुम्हारा ये अंदाज जो है कि नबी को असीयत पूछाता है और वो कुछ फरमाने से हया फरमाते हैं। अल्लाह हु अकबर, ये कभी मिन अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात बयान फरमाने में हया नहीं फरमाता। रास्ता देखो, थोड़ा सा बैठ गए, पूरी आयत करीमा नाजिल आ गई कि ये तर्ज अमल यहां नहीं होना चाहिए। जरा सा आप सोचें कि सरकार को ऐसा अलग कर दिया गया है अपने बारगाह के आदाब का कानून बनाने के ताल्लुक से कि जो कुछ हो वो वही आसमानी से, जो कुछ हो वो वही आसमानी से हो। और उसके बाद यहां तक कि कुछ हो, ऐसे भी लोग थे जो सरकार के पास दराज गुफ्तगू फरमाते थे। कुछ रईस सहाबे किराम आके बैठ जाते, बड़ी बातें करते थे और सरकार अज़राहे करम उनको कुछ कहते भी नहीं। मगर यह है कि जब कोई किसी के करीब जाता है और बहुत ही ज्यादा बैठने लगता है तो ये अंदेशा जरूर है कि वो बारगाह जिस अदब की मुस्तहक है, कहीं ज्यादा बैठने से उस अदब में तुम्हारी तरफ से कमी ना आ जाए। कुछ बेतकल्लफी होती है, उसका असर पड़ता है। लिहाजा
بارگاہ کے ادب کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے انتظامات فرمائے. قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو انہوں نے ایک واقعہ سنا کہ جب میں ہجرت کر کے مدینے کی طرف آنے کا میں نے پورا ارادہ کیا تو اپنے کسی استاد یا کسی شیخ, ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, ان سے کہا کہ حضور آپ کچھ نصیحت فرمائیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں, وہیں رہنے کے ارادے سے میں چاہتا ہوں کہ بقی جو ہے میرا مدفن بنے, سرکار کا مدینہ جو ہے وہ میرا مسکن ہو. تو حضرت مولانا ضیاء صاحب نے فرمایا کہ میں نے جب یہ عرض کیا ان سے کہ آپ میرے لیے کچھ نصیحت کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو تم مولوی ہو, ابھی میں کچھ کہوں گا کہیں کیوں نہ کہہ دو تم کہ ایسا کیوں ایسا کیوں, تو پہلے وعدہ کرو کہ کیوں نہیں کہیں گے تو پھر میں وصیت کروں, پھر میں نصیحت کروں, پہلے وعدہ کرو کہ کیوں نہیں کہیں گے, کہا نہیں حضور ہم کیوں نہیں کہیں گے, بس آپ فرما دیں. کہا مدینے جا رہے ہو, مدینے والوں سے کبھی تعلق نہ بنانا, مدینے والوں سے کبھی بے تکلفانہ تعلق نہیں ہونا, بہت زیادہ میل ملاپ نہ رکھنا مدینے والوں سے, چپ ہو گئے. دوسری بات, مسجد نبوی میں کبھی کسی کو کچھ مت دینا, وہاں خیر و خیرات کا مظاہرہ مت کرنا. دوسری بات انہوں نے نہیں کہی. تیسری بات, مسجد نبوی میں پہلی صف میں کبھی نماز نہ پڑھو, پہلی صف میں کبھی نماز نہ پڑھو. اچھا لطف کی بات سنیے کہ حضرت نے جب ہم سے یہ بات کہی تو وہی کہہ دیا تھا بھائی کیوں نہ کہنا. تو میں بھی کچھ کیوں نہیں کہہ سکا کہ حضرت اس میں کیا مسئلہ ہے, کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. تو ان کو جس نے بتایا انہوں نے بھی کیوں سے روک دیا تھا, تو حضرت نے بھی اس کا ذکر کیا بھائی کیوں نہ کہو تو میں بتا دوں. تو وہاں بھی میں کیوں نہیں کہہ سکا, مگر میں جب سوچنے لگا تو بات مجھے یہی سمجھ میں آئی, ہو سکتا ہے اس سے اچھی بات آپ کے ذہن میں آ جائے, مگر میرے ذہن میں یہی ہے کہ جب تم مدینے والوں سے بے تکلف ہو جاؤ گے, بہت زیادہ میل و ملاپ ہوگا, بہت زیادہ آنا جانا شروع ہوگا, تو مدینے والا جس ادب کا مستحق ہے وہ کر نہ سکو گے, مدینے والے کی تم تعظیم نہ کر سکو گے. اس لیے روکا گیا ہے کہ وہاں کے ذرے تعظیم کے لائق, تو جتنا تم دور رہو گے اتنی تمہاری محبت بھی مضبوط رہے گی, اور جتنا تھوڑا وقت ان کے ساتھ دو گے تعظیم کا پورا خیال کر سکو گے, تو جتنا زیادہ وقت ہوگا تعظیم اتنی تم نہیں کر سکتے, یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. تو اس لیے کہا کہ ان سے میل ملاپ کم رکھنا. اور دوسرے, مسجد نبوی میں کسی کو خیر و خیرات کرنا یہ نہایت بے ادبی ہے کہ دربار رسول میں تم حاضر ہو, تم تو خود بھکاری بن کے گئے ہو, تم کہاں سے داتا بن رہے ہو, تم کہاں سے دینے والے بن رہے ہو, ساری تمہیں خدمت ہی کرنا ہے. خود تو اس شاہی دربار سے باہر ہو کر کے تم مدینے والوں کی خوب خدمت کر سکتے ہو, مگر اسی دربار کے اندر کوئی بادشاہ بیٹھا ہو, دربار سجا ہو اور آپ خیرات بانٹ رہے ہو, بادشاہ دیکھ رہا ہے, وہاں ہم خیرات دینے نہیں جاتے, خیرات لینے جاتے ہیں. لہٰذا اس دربار کی بے ادبی ہے کہ وہاں کسی کو کچھ دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت شیخ الاسلام. اور تیسرے مسئلے پر جب ہم نے غور کیا, اس لیے کہ پہلی صف کے تو فضائل بہت آتے ہیں, تو تیسرے مسئلے پر جب ہم نے غور کیا, بہت غور کرنے کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی اس کے سوا کہ شاید پہلے صف کو بھی انہوں نے مدینے والوں کا حق بنا دیا, تمہاری وجہ سے کسی مدینے کے رہنے والے کی جگہ نہ پابند ہو جائے, تم ترجیح دو اپنی نیت پہ, چاہے وہاں کوئی بھی آ جائے
मगर तुम्हारी नीयत ऐसे ही होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। पहली सब के जहां बहुत फजाइल हैं वहां पीछे सब वाले को मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये भी मसला है कि अगर तुम्हारे आगे किसी भी नमाजी की नमाज कबूल हो गई तो पीछे वाले सबके कबूल हो जाएगी, पीछे वाले सबके कबूल हो जाएगी। तो क्या अच्छा है कि हमारे आगे मदीने वाला ही हो। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, ये अंदाज भी पसंद न किया गया और कहा गया नबी से कुछ अर्ज मारूज करना है, नबी के बारगाह में कुछ अर्ज करना है तो कुछ अर्ज करने से पहले सदका दो। अल्लाह अकबर, खुदा की बारगाह में कुछ अर्ज करना है तो वजू करो खड़े हो जाओ, और नबी की बारगाह में कुछ अर्ज करना है तो पहले खैरात करो फिर कुछ कहो। इस आयत के उतरने के बाद 10 मसले पूछे थे सैयदना अली मुर्तजा ने और 10 बार सदका किया, मगर बाद में उम्मत की सहूलत के लिए इसका हुक्म मंसूख हो गया। अब सदका करना वाजिब नहीं, अब नबी से कुछ पूछने के लिए सदका करना वाजिब नहीं, वजूद तो खत्म हो गया मगर इस्तेहबाब बाकी। वजूब खत्म हुआ, नबी से बात करने के लिए सदका करना मुस्तहब हुआ। जब ये बात आ गई, और जाहिर है आदमी जब पैसा खर्च करके कुछ हासिल करता है तो ज्यादा अहमियत होती है, और कोई चीज बहुत यूं ही मिल जाए तो उसकी अहमियत देखा गया। अगर आप कोई पंपलेट दीनी छापें और यूं बांट दें तो लोग पढ़ते भी नहीं, और खरीद के ले गए तो एक हर्फ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ना रहेगा। ये अजीब ज़हनियत, जो खुद से आदमी देता है कुछ खर्च करके तो उसकी अहमियत होती है, और मुफ्त मिल जाए तो देखता भी नहीं ये क्या है, उठा के दे दिया बिला तलब। इसीलिए मैं गौर कर रहा था कि देखिए हर चाहने वाला ये चाहता है कि मेरे महबूब का घर मेरे घर के करीब, मगर हम देखते हैं कि खुदा का घर मक्के में और महबूब का घर मदीने में तकरीबन 300 मील का फासला। ये दूरी क्यों? इसलिए कि खुदा ने इस बात को मुनासिब नहीं करार दिया कि उसके महबूब की ज्यारत कोई हज के बहाने करे। महबूब के पास आए मेरा फर्ज अदा करने के लिए जिमनन ज्यारत कर रहे, बुनियादी तौर पर आए मेरा फर्ज अदा करने के लिए, और जिमनन ज्यारत कर रहे महबूब के, नहीं ए महबूब मैं तुझे अपने घर से दूर रखूंगा ताकि आने वाला यहां आए तो उसे बिल कस्त बिल इरादा वहां जाना पड़े, बगैर इरादा कोई ना पहुंच जाए, कुछ खर्च करना पड़े, कुछ मेहनत करनी पड़े, कुछ सरमाया खर्च करना पड़े, कुछ मशक्कत उठानी पड़े। इसलिए मैंने तुझे दूर कर दिया ताकि तेरे बारगाह के अदब से ये लोग गाफिल ना हो जाए, इसलिए मैंने तुझे दूर किया। और दोस्तों कुछ मरवियाते सूफिया में से ऐसी भी रवायतें जिससे ये पता चला कि जो बशरियत मुस्तफा का खमीर है, आप जानते हैं कि जिसका जहां का खमीर होता है वहीं रखा जाता है ना, तो सरकार की जो बशरियत का खमीर है जानते कहां से लिया? जहां काबा है उसी जमीन से लिया गया, उसी जमीन से लिया गया। और जब उसी जमीन से लिया गया तो अब वही मदफून होना चाहिए था ना, और मदफून हुए वहां, ये मामला क्या? वो तो उसूल टूट गया कि जहां का खमीर वही दफ नहीं, इसके लिए इंतजाम किया गया।
इंतजामी किया क्या? उसे तौहीद का एक मरकज बनाना था। अगर वहां नबी की तुर्बत होती, नबी की तुर्बत होती और फिर उसका लोग चक्कर करते तो ये पता ही नहीं चल सकता था कि ये तवाफ किसके लिए हो रहा, ये तवाफ किसके लिए हो रहा। तो इस वक्त जरूरत थी कि वहां से उनकी तुर्बत को, शरीफ को फासले पर रखा जाए, दूर किया जाए। तो कुदरत ने इंतजाम क्या किया कि वो उस पूरे खित्ते को, जहां पर इस वक्त काबे का मकान आप देख रहे हैं, उस पूरे खित्ते को सैयदना जिब्रील ने उठाया और उठा के जाके मदीने में रख दिया। उस पूरे खित्ते को और वहां का खित्ता उठा के लाके यहाँ रख दिया। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हजरत इब्राहिम की दुआ के नतीजे में ये गैर जी जरा वादी में, जहां ना खेती, जहां ना कोई सब्जा, ऐसी वादी में जो हजरत इब्राहिम ने दुआ की तो हुक्म इलाही हुआ। शाम के सरसब्ज और शादाब इलाके का एक हिस्सा उठाया गया तो हजरत जिब्रील उसे उठाकर लाए और लाने के बाद उन्होंने अपने हाथों में लेकर के उसको काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया और तवाफ करके हिजाज ही के खित्ते में उसको रख दिया, जिसको आज आप ताइफ कहते हैं। ये दुनिया की पहली जमीन है जिसने काबे का तवाफ किया है, ये दुनिया की पहली और आखिरी जमीन है, इसीलिए इसे ताइफ कहते हैं, ये तवाफ करने वाली है। तो यहाँ का खित्ता उठा के वहां पहुंचा दिया, वहां का खित्ता सरसब्ज और शादाब लाके यहाँ रख दिया। देखा तो ये तब्दीली उस वक्त हुई थी उनकी दुआ के नतीजे में और यहाँ हिकमत इलाही के नतीजे में ये तब्दीली हुई। इसीलिए कहा जा रहा कि वो मुकद्दस जमीन को हल्का मत समझना। नबी इस वक्त जिस जमीन पर आराम फरमा रहे हैं और जमीन का जो हिस्सा जिसमें नबवी से लगा हुआ है वो काबे से भी अफजल है और अर्श से भी अफजल है, वो काबे से भी अफजल है, वो अर्श से भी अफजल है। इस चीज को आपने अच्छी तरह समझा, इस चीज को आप, मैं इस मुकाम पर ये पूछता हूँ, जिस्म जमीन का वो हिस्सा जो रसूल के जिस्म से लगा हुआ है, जुज़्वे रसूल नहीं, मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो जिस्म रसूल से लगा हुआ है मगर जुज़्वे रसूल नहीं है, तो वो हिस्सा अर्श से अफजल, वो हिस्सा काबे से अफजल है। तो खाक के वो जर्रे जो बशरियत मुस्तफा का जूस है उनके दर्जे को पहुंचने के लिए कायनात में क्या मिलेगा, उनकी मिसाल कहां मिल सकेगी, उनकी नजीर कहां मिल सकेगी। वो बेनजीर हिस्सा था जिसको इंतखाब किया गया है रूहे मोहम्मदी के रखने का, रूहे मोहम्मदी के लिए उस चीज का इंतखाब किया गया। यहां पर इस बात को भी आपने आलमा से सुना होगा कि जब रूहें निकलती हैं तो जैसी रूह होती है उसका वैसा मुकाम होता है आलम बरजख में, आला इल्लीन तक जैसी रूह होती है, कुछ असफुल साफलीन वाले होते हैं वो वहां होते हैं, तो सबको उनके मर्तबे मुकाम के लिहाज से उस रूह को जगह दी जाती है। तो जब ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तो फिर आप इस सवाल का जवाब आप ही आसानी से दे सकेंगे कि जब रूह मोहम्मदी को निकाला गया था तो इसके मुनासिब जगह कौन थी। मुझे तलाश करो आलम बरज़ख में, तलाश करो जन्नत में, तलाश करो अर्श पर। अगर तुमने कहा इसके मुनासिब अर्श है लिहाजा इस रूह को अर्श पर रख दो, वहां तो रसूल का कदम पहुंचा है, वो रूह के रखने के लायक नहीं है, वहां तो कदम पहुंचा है जन्नत, यहां तो रसूल के गुलाम चलेंगे, ये रूह के रखने के लायक नहीं है। कहां रखा जाए काबा, जिस्म का वो हिस्सा जो रसूल के जिस्म से लगा और खाक का वो हिस्सा जो जिस्म रसूल से लगा, वो तो अर्श से अफजल, काबे से अफजल। तो अब रूहे मोहम्मदी की बात है, आप इनको रखा कहां जाए, कौन सी कायनात में कौन सी ऐसी जगह है जो रूहे मोहम्मदी के मुनासिब है। तो जवाब यही होगा कि रूहे मोहम्मदी के मुनासिब वही जिस्म मोहम्मदी है, वही जिस्म मोहम्मदी है, इस रूह को वही पलटा दो, वही उनका बरज़ख है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मद कमा कई बहुत अल्लाह। देखो अदब का मुकाम और आगे चलिए जनाब, कि नबी को अगर पुकारो, नबी से कुछ कहो, अर्ज करो तो सदका करो, ये अमर मुस्तहब है, कभी ये वाजिब था,
और आगे फिर इंतहा की बात अर्ज कर दूं, आप हालत नमाज में क्या किसी के पुकारने से छोड़ देंगे नमाज? है कोई तरीका? छोड़ देंगे तो दोहरानी पड़ेगी, और छोड़ने का जुर्म आला है कि क्यों छोड़ा इसे। मगर दोस्तों एक वाकया प्यारा याद करो, अगर नियत के हिसाब से देखो तो वो सहाबी की नियत, वहां कोई फितूर नहीं, कानून उनको दिया जा रहा है जो बड़े सुथरे लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े सादत वाले थे, अदब व बेअदबी का कोई तस्वुर, बेअदबी का कोई तस्वुर उनके जहन में हो ही नहीं सकता था, ऐसी सुथरी जहनियत के लोग थे। एक सहाबी है नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में रसूल ने आवाज दे दी। अब उनका ये सोचना कितना मुनासिब बजाहिर लगता है कि नमाज खत्म कर ले तो हाजिर, कुछ सरकार के यहाँ आने से उन्हें उज्र नहीं था, मगर खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ रहे, नमाज तो बड़ी अहमियत रखने वाली चीज है। मगर जब वो ताखिर से पहुंचे, सरकार ने कहा क्यों नहीं आए? मैंने बुलाया था, देर क्यों की? बड़ी आसानी से उन्होंने जरूर बयान किया, और बजाहिर बहुत ही काबिल कबूल ही उज्र लगता, ये अल्लाह के रसूल में नमाज पढ़ रहा, बात भी सच्ची, नियत में कोई फितूर नहीं था। फौरन कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बोल, पहले नमाज की पहले रसूल, समझ, पहले नमाज की पहले रसूल। इस्तजीबू लिल्लाह वल रसूल इज़ा दअकुम लिमा युकीकुम, अल्लाह रसूल जब बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। फौरन, ये उधर नहीं नमाज पढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, वजीफे कर रहा था, तस्बीह हिला रहा था, ये सब नहीं चलेगा। अल्लाह रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ, फौरन हाजिर हो जाओ। आवाज तो लगाई थी रसूल ने, मगर इस बुलाने को कहा ये अल्लाह बुला रहा है। रसूल का बुलाना ये खुदा का बुलाना है, रसूल की पुकार ये खुदा की पुकार है, रसूल की आवाज खुदा की आवाज है। जरा साहब ताकि अल्लाह रसूल इज़ा दअकुम, उलमा से भी पूछिएगा, इस्तजीबू लिल्लाह वल रसूल, अल्लाह और रसूल का जिक्र है ना, कि अल्लाह और रसूल जब बुलाए, इज़ा दअकुम दअकुम ज़वाहिर, दा का लफ्ज वाहिद और पहले जिक्र है दो का, दा का लफ्ज वाहिद यानी जब रसूल तुम्हें बुलाए, मर्जा हमेशा करीब होता, जब रसूल बुलाए तो पहुंच जाओ, इसलिए कि ये रसूल का बुलाना नहीं है, यही खुदा का बुलाना है। जिस खुदा की तुम नमाज पढ़ रहे हो वही बुला रहा है, ये रसूल की दावत खुदा की दावत है, ये रसूल की हिदायत खुदा की हिदायत है, ये रसूल का इरशाद खुदा का इरशाद, आ जाओ। अच्छा भाई, रसूल के बुलाने से आ जाए, मेरे बुलाने से आएंगे? आओगे? बचेगी नमाज किसी के बुलाने से? तो मालूम है ये सब रसूल जैसे तो नहीं हुए ना, रसूल जैसे तो नहीं हुए, वो रसूल है कि बुलाए तो नहीं आओ तो मुजरिम, इबादत का बहाना भी काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बताऊं इसमें जाता भी क्या, उलमा ने क्या अच्छी प्यारी बात कही है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो और सरकार आपको बुला ले, अब आपने दो पढ़ ली थी मसलन, दो और पढ़ना था तो उतने में छोड़ के चले जाइए, आइए सरकार के पास, सरकार से बातचीत कीजिए, फर्ज कीजिए उन्होंने हुक्म दे दिया कि जाओ बाजार से ये सामान लेते आओ, मिसाल के तौर पर ये घर पर जाकर ये काम कराओ, आप जाइए वहां से आइए, जो काम जो हुक्म था वो आपने पूरा किया, आपने सरकार से बता दिया, अब सरकार ने इजाजत दी, अब जाओ, अब पलटो जाओ, दो पढ़ चुके थे उसको तोड़ना नहीं है, दो और पढ़ लो, जो बाकी था वो पढ़ लो, इसलिए कि अभी तक तुम नमाज ही में थे, अभी तक तुम नमाज ही में थे, नमाज नहीं टूटी, नमाज नहीं टूटी, इसलिए कि तुम अगर फिरे तो किबले से तो जरूर फिर गए, मगर किबले की तरफ फिर गए, तुमने अगर बात की तो ऐसे ऐसे बात की जिससे मुखातब होकर सलाम करना वाजिब, नमाज के अंदर जुज़्वे इबादत, जरा साहब ख्याल करते चले जाइए, नमाज नहीं टूटी, वो तो बड़ा अच्छा हुआ,
सरकार ने जो बुला लिया बड़ा अच्छा हुआ बुला लिया, इसलिए कि अगर खुद से मैं पढ़ता तो चंद मिनट में नमाज पूरी हो जाती, तो 5 मिनट वाली नमाज को नबी ने 1 घंटे की नमाज बना दिया, 2 घंटे की नमाज बना दिया, कितनी तवील नमाज हो गई। और ये मिसाल तो खैर यहाँ तो है, फिका की किताबें आप देखें, पढ़ती जब कोई साहब नमाज पढ़ रहे और वजू टूट गया किसी वजह से, मसाइल तो लोगों को मालूम ही नहीं कि कैसे वजू टूटता। हमको एक अजीब लतीफा सुनाया कि एक इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई और उसके बाद सजदे सहु किया, सजदे सहु किया। अब मुख्तदी भी समझ में नहीं आया, बात तो सब सही पढ़ाई, ये सजदे सहु किस बात पर कर लिया? तो किसी मुख्तदी ने पूछ लिया कि अरे इमाम साहब बगाड़े तो आपने कोई गलती नहीं की थी, ये सजदे सहु किस बात पर आपने कर लिया? कहने एक भूल हो गई थी। क्या कर या करी हो गई? अब आप ये बताइए, जिसको मसाइल से वाकफियत ना हो ये भी नहीं समझता कि सजदे सौ किस पर होता, वजू कैसे टूटता। तो ऐसे लोगों को जाने दीजिए। बहरहाल किसी का वजू किसी वजह से टूट गया तो क्या हुक्म है? अपनी नमाज को बातिल मत करो, जो पढ़ लिया वो पढ़ो खामोशी के साथ, किसी से बात किए बगैर मुड़ जाओ, जाओ खामोशी के साथ वजू करो, वजू करके जितना पढ़ चुके उस पर भी ना करना। नमाज बातिल नहीं, वजू के लिए ना, इतनी रियायत, इस कदर रियायत शरीयत ने दी, तो नबी का हक तो बहुत बड़ा है, बल्कि नबी की शान तो बड़ी शान है। अगर आपकी माँ आपको नमाज की हालत में पुकारे और आप नफल पढ़ लो, फर्ज नहीं नफल, नफल की नमाज पढ़ लेना और माँ को पता ना हो कि आप नमाज पढ़ रहे हो, लाइल्मी में वो आवाज दे तो नमाज छोड़ के हाजिर हो जाओ, नमाज छोड़ कर हाजिर हो जाओ, इससे पता चला कि माँ का क्या मकाम है। ताखिर करोगे तो दिल शिकनी होगी, ताखिर करोगे तो सोचने लगेगी कि बच्चा मेरे काम में आने में तकल्लुफ, इसलिए उसे मालूम नहीं था कि बच्चा नमाज पढ़ रहा। बहुत सारे ऐसे मवाके हैं जहाँ नमाज को तोड़ देने का हुक्म है, तोड़ देने का हुक्म है, बाद में उसको पूरा करना। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज तो खुदा का हक है ना, मगर जान की हिफाजत, ये जान का हक, तो इत्तेफाक से सांप निकल आया तो कहेगा कि अपना मांस तोड़ कर पहले उसे मार, वरना अगर वो तुझे काट लेगा, जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरी ये बात कहां से रहेगी? तो जान का हक पहले। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में सामान रखकर के नीचे उतर गए नमाज पढ़ने के लिए, ट्रेन छूट गई, कहा नमाज तोड़ अपने सामान को बचा, बाद में उसे अदा कर लेना। कहीं एक बेचारा नाबीना जा रहा था, आपने देखा अगर मैंने नमाज नहीं तोड़ी तो वो कुएं में गिरा, तो नमाज तोड़ उसको बचा। कहने का मतलब ये है कि नमाज खुदा की इबादत है, मगर ये इबादत कहीं अगर बंदे के हक से टकरा गई तो खुदा ने अपनी इबादत को माफ कर दिया, माफ करके बंदे के हक की तकमील में तुम्हें लगा दिया, और फिर अपनी इबादत के बारे में तुम इसमें ताखीर कर सकते हो, अदा कर लो, मगर बंदे के हक का ख्याल रखो। तो अब ख्याल करो, सरकार जब बुलाए आवाज दें इस्तजीबू लिल्लाह वल रसूल इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम, ये रसूल तुम्हें जिंदगी देता है। इसीलिए एक सहाबी रसूल ने इस खूब समझ लिया था इस कलाम के मकसद को, नई नई शादी हुई थी, रात को गुस्ल की हाजत हुई, मगर सरकार के निदा करने वाले ने मुनादी ने आवाज दिया जिहाद के, वो चल पड़े, निकल पड़े बगैर इसमें भी ताखीर हो जाए। हालांकि आप सोचते थे भी पाक साफ होके चलना बड़ी अच्छी बात है, नहीं, नबी की आवाज आ गई, उनका पुकारने वाला पुकार के चला गया, अब ताखीर बेअदबी होगी, फौरन गए। इसका सीधा क्या हुआ? शहादत मिली, शहादत मिली। और आप मसला पूछ रहे हैं कि शहीदों को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, मगर ये निराला शहीद है जिसे फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, ये निराला शहीद इसलिए कि इसने नबी पर अपने को कुर्बान कर दिया।
حضرت حنزلہ کی کیا شان ہے کہ ملائکہ غسل دے رہے ہیں, تو غسیل الملائکہ کا خطاب انہیں مستقل مل رہا ہے. آپ خیال کرتے چلے جائیں, تو یہ ہے نبی کی بارگاہ, یہ ہے نبی کی بارگاہ کے آداب. دیکھا آپ نے آدب کرنے والوں کے نتائج کیا, تقویٰ ان کے لیے, مغفرت ان کے لیے, اجر عظیم ان کے لیے, دین و دنیا کی صلاح فلاح ان کے لیے, یہاں وہاں کی کامیابی ان کے لیے. یہ ہے ادب کرنے والوں کا نتیجہ. میں نے جو باتیں کی ہیں یہ اس دور کے ادب کرنے والوں کی بات کی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اب آپ بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بے ادبوں کا بھی تھوڑا ذکر نہ ہو جائے. ہاں, اس لیے کہ قرآن کریم میں خدا نے بے ادبوں کا بھی ذکر کیا ہے, بے ادبوں کا بھی ذکر کیا. اسی لیے دوستوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ دشمنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, تاکہ آپ دوستوں کو بھی پہچانیں اور دشمنوں کو بھی پہچانیں اور ان کے انداز دشمنی کو بھی پہچان لیں کہ دشمنی کا انداز کیا ہے, طریقہ کیا ہے. آپ سوچو, یہ ہے ولید ابن مغیرہ. ایک بات اس نے کہی تھی سرکار کو, انک لمجنون. سرکار کو مخاطب ہو کر کے اس نے کہا تھا کہ آپ مجنون ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, نبی نے کوئی جواب دیا نہیں, نبی جواب نہیں دے اپنے بدگو, نبی جواب نہیں کرے. نبی کو برا کہنے والے نے برا کیا, نبی خاموش ہے, مگر رب تبارک و تعالیٰ وہ خاموش نہیں, وہ جواب نازل فرما. اس نے طے کر لیا, نبی جواب دیتے تو بات وہی رہتی نا کہ وہ حدیث بنتی, حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے لوگ اس میں شک دلاتے. اسی لیے قرآن کا نزول ضروری, قرآن کا نزول ضروری. تو پہلے سرکار کی تسلی فرمائی, رمان کا بنا میں کرب کے کبھی مجنون, انک لکل اجر غیر ممنون, انک لعلی خلق عظیم. پہلے تعریف ہو رہی محبوب کی, اے محبوب آپ اپنے رب کی فضل سے مجنون نہیں ہیں, آپ کے لیے تو بے پایا اجر ہے, آپ تو خلق عظیم والے ہیں. اور اے محبوب, یہ جو مجنون کہنے والا, لَا تُطِعْ اللَّهَ فِي مَهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيبٍ. ارے یہ محبوب, اس کی باتوں پر کان مت دھرے. یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا, یہ کمینہ خسرت والا سخت دل, یہ چغل خور, یہ تانا باز, قرآن کا لبو لہجہ دیکھیے, یہ بھلائی سے روکنے والا, یہ سرکشی ذاتی کرنے والا, یہ گنہگار مجرم. اور اے محبوب اتنا ہی نہیں, بعد از ذالک الذنیم, یہ حرام کا بچہ. ایک ہی رض اس نے کہا تھا, دس آئے قرآن نے رکھ دیے. ذرا سا دیکھیے, یہ قرآن ہے, یہ اخلاق کی کتاب, یہ ہدایت کا سرچشمہ, یہ تہذیب کا گہوارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے دشمنوں کو برا کہنا یہی تہذیب ہے, یہی اخلاق ہے, یہی ہدایت ہے, ورنہ پھر قرآن میں یہ بات نہ ہوتی. کچھ لوگ ہیں ہمارے علماء اہل سنت پر بڑا اعتراض کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں اسٹیج پہ, گالی دیتے ہیں اسٹیج پہ, گالی دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ تم بھی تو گالی دیتے ہو, وہ تو اسٹیج پہ دیتے ہیں, تم نماز میں گالی دیتے ہو. نماز میں کہتے ہو کہ نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود. خدا کی نماز پڑھنے گیا تھا, شیطان کو مردود کہنے لگا, یہ شیطان ہے, یہ مردود ہے.
पढ़ते हो कि नहीं? शैतान मरदूद कहा कि नहीं कहा नमाज में? तो मौलाना तो करते हैं स्टेज पर गाली देते और तू नमाज में गाली देता, वो भी तो गाली है। अभी तक ये समझ ही नहीं सके गाली क्या। अगर इसी का नाम गाली है तो क्या कुरान के अंदर सब गाली ही रखी? खबीसात खबीसीन का लफ्ज, मुशरिकीन मुशरिकात का लफ्ज, काफिरीन तब्बत यदा अबी लहब, जरा सा ये सब इसको गाली आप कहेंगे? याद रखो गाली भी नहीं समझ सकेंगे तो ये कुरान क्या समझेंगे? गाली जानते किसे कहते? किसी लफ्ज को ऐसे पर बोलना जो उसका मुस्तहक ना, ये गाली। जो चोर ना हो उसको चोर कहना गाली, जो शराबी ना हो उसको शराबी कहना गाली, मगर चोर को चोर कहना ये गाली नहीं है। और शराबी को शराबी कहना जो जिस लफ्ज का मुस्तहक है उसको वो कहना गाली नहीं। ईमान वाले को काफिर कहो गाली, मगर काफिर को काफिर कहना ये गाली नहीं। मुशरिक को मुशरिक कहना ये गाली नहीं। तो जो लफ्ज अपने मुस्तहक पर मिस्ताक पर बोला जाए उसे गाली ना समझे। शैतान शैतान है इसलिए मुझे कहते हैं, वो रजीम है इसलिए हम उसे रजीम कहते हैं। तो गाली हमेशा, मैं कहता हूं गाली क्या, बाल अच्छे अल्फाज होते हैं मगर अगर मिस्ताक के खिलाफ बोलो तो गाली हो जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी यहूदी को जाके मुसलमान को मारने को दौड़ेगा। मुसलमान लोग बड़ा अच्छा है मगर वो समझता जब मैं ये हूं नहीं हूं तो मेरे लिए गाली है। किसी ईसाई को भी अगर आप मुस्लिम मोमिन कहके बुलाओ तो बिगड़ जाता। तो ये मत देखो बल्कि ये देखो इस लफ्ज का मिस्ताक है कि नहीं। आप उलमा अहले सुन्नत से ये तो पूछ सकते हैं कि जिसको आप काफिर कहते हैं क्या वाकई काफिर है, जिसको आप मुशरिक कहते हैं क्या वाकई मुशरिक है, जिसको आप मुनाफिक कहते हैं क्या वाकई मुनाफिक, ये तो पूछ सकते हैं, वो जवाब देंगे, मगर ये आप नहीं कह सकते कि वो गाली देते। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो गाली देते। मगर कुछ लोग भी अजय साहब काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, हालांकि खुद कहते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, पहले खुद काफिर कह रहे हैं। अजीब बात है, कहते काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अरे पहले तू खुद ही काफिर कह रहा, फिर कहता काफिर नहीं कहना चाहिए। कितनी बेवकूफी की बात है, समझे? कुलिया यहल काफिरून में जो काफिर को काफिर कहा किसने कहा? कैसी बात है, कौन सा कुरान है, कौन सी हिदायत? तो अगर अच्छा पूछा भी अच्छा क्यों नहीं कहना चाहिए, तुझे क्या खबर कि मरने से पहले मुसलमान हो जाए? मरने से पहले मुसलमान हो जाए तुझे क्या खबर? तो फिर उनसे कहना आप किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं कहना चाहिए। किसी पूछे क्यों, तो तुझे क्या खबर कि मरने से पहले काफिर हो जाए? क्या बेवकूफी। अरे भाई मरने से पहले जो होगा वो कह देंगे हम, मगर अभी जो है वो कहेंगे, अभी जो है वो कहेंगे, अभी मुसलमान है तो मुसलमान कहेंगे, काफिर है तो काफिर कहेंगे, और जब बदल देगा तो हम भी बदल देंगे। बात ये थी सरकार के, अब मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, वो ठीक है कि उसने मजनून का तो 10 ऐब उसके कुरान ने शुमार करा दिए और उसमें एक ऐब ये था जिसका पता उसे भी नहीं था कि वो हराम का बच्चा, ये उसे भी पता नहीं था। मगर एक बात मैं पता, जब नबी ने ये बात कही तो उसे यकीन हो गया कि मैं ऐसा ही हूं। नबी को मान तो नहीं रहा मगर माँ के पास तो मर गया, अरे माँ तुझी को पता ये मेरा मामला क्या है। और थोड़े तेज में था, तलवार हाथ में लिया, सच सच बताना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस साहब मेरे अंदर शुमार कराएं, 9 मेरे अंदर हो तो मैं जानता हूं, 9 मेरे अंदर आए वो मैं जानता हूं, मगर ये 10वां ये तू ही जानती है।
बता, और सच बोलना वरना गर्दन उड़ा दूंगा, इसलिए कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। राशा देखिए क्या सेवा, वो झूठ नहीं बोल सकते, सच बोलना। मैं गजब की बात सुनाऊं, खुदा हुआ काफिर, अजली बदनसीब बदबख्त वलीद इब्ने मुगीरा रसूल को अजियत पहुंचाता है, तकलीफ करता पहुंचाता है, मगर अपने जहनी ख्याल उसके के हैं कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। नबी की सच्चाई आफ्ताब की तरह रोशन है, झूठ नहीं बोल सकते। खुला हुआ काफिर कहता क्या है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते, और आज का कलमा पढ़ने वाला कहता है खुदा झूठ बोल सकता, खुदा झूठ बोल सकता है। अरे जो रात उसके कुफर ने समझ लिया, इनका ईमान ना समझ सका। अल्लाह ना सुनेगा सोचने की बात है, बदनसीबी भी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, इनकी बदनसीबी, इनकी शकावत कल्बी भी अपने इंतहा को पहुंची हुई है। खैर, हमारे नजदीक तो खुदा ऐसा सच्चा है कि जिससे झूठ का इम्कान महार, झूठ बोलना महार महाल बिजार। मगर ये तो मानते हैं ना कि खुदा का झूठ बोलना मुमकिन, माना ना खुदा का झूठ बोलना मुमकिन। तो अब इससे एक नतीजा मैंने दूसरा निकाल लिया, दूसरा मैंने ये निकाला कि इनका झूठ बोलना वाजिब। मैं दलील से समझाता हूँ कि इनका झूठ बोलना वाजिब क्यों, इसलिए कि शिर्क किसे कहते हैं, जैसी खुदा की शान वैसे ही बंदों में मान लो, तो यही तो शिर्क है। तो अब खुदा का झूठ बोलना भी मुमकिन और तेरा भी झूठ बोलना मुमकिन, तो तुम मुशरिक हो गए, जैसी खुदा की शान वैसी तूने मान ली अपने लिए, यही तो शिर्क है ना। तो अब शिर्क से बचने की शक्ल ये है कि अगर वो मुमकिन है तो ये वाजिब हो, इसीलिए इनका झूठ बोलना वाजिब। कभी कोई सच्ची बात करते ही, अरे भाई अपने को ईमान वाला कहना ही कितना बड़ा झूठ इनका, तब इसके बाद और किसी सच्ची बात की क्या तवक्को। अब आप ख्याल करें, हाँ तो मैं ये बता रहा था जनाब, माँ ने इतराफ कर लिया कि हाँ बेटे मुझसे गलती, तेरा बाप बड़ा दौलतमंद था, कोई बेटा नहीं था, तो एक चरवाहे की गुनाह का नतीजा है। देखा नबी के गुस्ताख का जब नसबनामा देखा जाएगा, पता लगाया जाएगा न जाने क्या क्या इनके शाखा थे, इसलिए कि जब तक इंसान बदजात नहीं होता गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं होता। आप ख्याल करें, मैं एक बात दूसरी पूछना चाहता हूं कि नबी के फरीजे हिदायत में, फरीजे नबूवत में इस बात को क्यों रखा गया? क्या गाली का जवाब गाली, इससे उसे क्या हिदायत मिली? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसी कहनी जरूरत क्या? इसमें असल सवाल का जवाब कहां? उसने नबी को मजनून कहा, उसके जवाब में 10 बातें आपने सुना दी, तो इसमें सवाल का जवाब कहां मिला? तो ऐसा मत समझना कि सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल के जवाब ही के लिए ये बात इख्तियार सुनाई गई कि रसूल को मजनून कहने वाले सुन ले, तो जिस रसूल को मजनून कहता है वो तेरे उस ऐब को भी बयान करता है जो तेरी मां के सवाल दुनिया में किसी को नहीं मालूम। ये काम मजनून का नहीं होता, नबी का होता, गैब जानने वाले की बात होती है कि ऐब तेरा हो जुबान से वो बयान करे, ऐसा ऐब जो तुझे नहीं मालूम, तेरे खानदान को नहीं मालूम, सिर्फ तेरी माँ को मालूम, जो बता दे वो गैब दाह होगा, और जो गैब दाह होगा वो मजनू कैसा। उस
उसके आयत भी खुल गए और उसकी बात का जवाब भी मिल गया, उसकी बात का जवाब भी मिल गया। देखा आपने दुश्मन के साथ क्या सलूक किया है, पुरानी आयत ने। अब उठाओ उस दुश्मन को जिसको अबू लहब के नाम से आप जानते हैं। एक ही बार उसने कहा था, एक बार कहा हलाकत हो तुम्हारे लिए, क्या इसीलिए हमें बुलाया था, क्या इसीलिए जमा किया था। एक बार कहा आयत आ गई, तब्बत यदा अबी लहब, पूरी आयत आ गई। अब सारी उम्मत पढ़ रही है कि नहीं, और कयामत तक पढ़ेगी। खुदा भी चाहता है कि रसूल के दुश्मनों का जिक्र कयामत तक होता रहे ताकि दूसरे दुश्मनों को सबक मिलता रहे। दुश्मनों का जिक्र भी असल में उस महबूब की तारीफ। देखा आपने आयत उतर आई और फिर उसके बाद देखो दुश्मन तो है मगर नबी के अख्तियार, नबी की दुआ की तासीर का कैसा कायल। दो बेटे थे इसके, उतबा और उतैबा, और उस वक्त मुशरिकीन से निकाह ममनू नहीं करार दिया गया था। नबी करीम की दो शहजादियां मंसूब थी इन दोनों से। अबू लहब ने दोनों को मजबूर किया कि तलाक दे दो, तो उतबा ने तो गुस्ताखाना अंदाज से तलाक दिया, मगर उतैबा ने जाके माजरत करके कि बाप की सख्ती है मजबूर हूं कुछ कर नहीं सकता, माजरत करके तलाक दिया, तो सरकार की किताब में वो नहीं आया, सरकारी किताब से वो बच गया। मगर उतबा के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कलबन मिन कलाबी, ये अल्लाह अपने किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे, अपने किसी दरिंदे को इस पर मुसल्लत कर दे। दुआ कर दी सरकार ने। अब अबू लहब समझता नहीं थी उसको, मेरे बेटे के पीछे मोहम्मद की दुआ पड़ गई है, अब वो बच नहीं सकता। और उसके बाद फिर हिफाजती इंतजाम भी शुरू, हर वक्त उसके साथ उसके बॉडीगार्ड साथ चलते रहे। और शाम के एक सफर में जब उसके सफर का अमीर उसे बनाया गया तिजारती, तो गुलामों को हिदायत थी कि इसको बीच में रख के किनारे किनारे सोना। एक ऐसा मुकाम आया कि जहां ऐसे ही सो रहे थे कि जंगल से एक शेर आया, उसने हर एक के मुंह को पहले सूंघा फिर अंदर गया, इसका मुंह सूंघा उसको चीर फाड़ करके वहीं छोड़ दिया, चला गया, वो बच न सका। शायरीन हदीस ये कहते हैं कि ये मुंह इसलिए सूंघ रहा था कि रसूल के गुस्ताखों के मुंह से एक बदबू होती जो जानवर भी समझ लेता, इसलिए वो गुस्ताख की तलाश कर रहा था। और दूसरी बात उसने ये कहा, शारी ने फरमाते हैं कि फाड़ करके फेंक कर चला गया, खाया नहीं, इसलिए कि जानवर भी ऐसे नजिस को खाना पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि नबी के गुस्ताख का कोई जिस्म का कोई हिस्सा खुद उसका जुज़्वे बदन बने। बहरहाल इस तरह के वाकयात सफात हदीस में बहुत मिलेंगे कि उसी दौर में गुस्ताखों को सजा दी गई। वो कातिबे वही जो कभी किताबतें वही किया करता था मुर्तद हो गया, मरता है तो जमीन से कबूल नहीं करती, बार बार फेंक देती है, बार बार फेंक देती है। तो इस तरह के वाकयात से आपने एक अंदाजा लगा लिया होगा कि अदब वाले कौन हैं और बेअदब कौन है, अदब वालों का क्या नतीजा रहा, बेअदबों का क्या नतीजा रहा। और उसके बाद फिर एक छोटे से बच्चे ने मुख्तसर से वक्त में जो तकरीर की थी और ये समझाया था कि अगर तुम वाकई इस्लाम की शौकत और अजमत का परचम लहराना चाहते हो तो रसूल अरबी के परचम को लहराओ, उनकी याद बनाओ, इसलिए कि मकान वाले ही से मकान की इज्जत होती है। हादी के मुकाम को जब दिखाओगे तो हिदायत की अजमत समझ में आएगी, दाई के मुकाम को जब समझाओगे तो दावत की अजमत समझ में आएगी। सारी दुनिया के लोग अपने रहनुमाओं की तारीफ करते हैं, अगर तुमने तारीफ न की
تو کون دوسرا کیوں اس کو ماننے لگا؟ لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سرکار کی عظمتوں کا پرچم لہرائیں سرکار. اور ہم کیا لہرائیں گے؟ اصل میں رب تبارک و تعالیٰ تو خود ہی لہرا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں بھی سبب بنا دے. اور اگر ہم رسول کے پرچم کو نہیں لہرائیں گے تو ہمیں مٹا دیا جائے گا اور ایک ایسی قوم پیدا کی جائے گی جو پرچم کے لہرانے والی ہوں. یہ پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا. فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے؟ حسن وارش سے اڑتا ہے پھرے گا تیرا. ان دونوں باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. واخر دعوانا نور سے معمور سینہ مسک سے بہتر پسینہ. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے؟ تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا غروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینۃ عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکل جستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و اما و تندرستی، یہ مستحق ذات کے لیے علائق کرم. اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دے، دامن میں میرے کیا گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے. جس میں جب تک کہ میری جان رہے، جس میں صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نسکے وقت سلامت میں رہے. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم ودولک العظیم ورزقک العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشهداء والصالحین والابدال والاوتاد اجمعین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. کل حضرت کا خطاب نماز مغرب کے بعد اسلامک سینٹر میں ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی